आईपीएल 2019 के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को अंतिम गेंद पर एक रन से हरा दिया, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा रविंद्र जडेजा पर साफ साफ दिखा। इस खबर को हम जानेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के फैन है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। फाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की टीम सिर्फ एक रन से हार गई और मुंबई इंडियंस की टीम चौथी बार आईपीएल विजेता बन गई। लेकिन फाइनल मुकाबले में हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा रविंद्र जडेजा पर साफ साफ दिखा, और हार के बाद जब जडेजा वापस डगआउट की तरफ गए तो धोनी ने जडेजा को बुलाकर गुस्से में बात भी की। दरअसल धोनी का गुस्सा जायज भी था, क्योंकि जडेजा के रॉन्ग कॉल की वजह से मैच को जीत की ओर ले जा रहे शेन वॉटसन पहले रन आउट हो गए। वहीं 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा को खुद अपने पास स्ट्राइक रखनी चाहिए थी, लेकिन वो 2 रन लेकर शार्दुल ठाकुर को स्ट्राइक दे दिए, जो कि सबसे बड़ी गलती हो गई। जिसके बाद अंतिम गेंद पर शार्दुल ठाकुर मलिंगा की यॉर्कर गेंद समझ ना सके और LBW आउट हो गए, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा साफ साफ रविंद्र जडेजा की नॉन क्रिकेटिंग माइंड के ऊपर दिखा। आपको क्या लगता है, क्या जडेजा को सिंगल लेना चाहिए था या धोनी का गुस्सा गलत था? आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए NKP स्पोर्ट्स चैनल।